नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। बहुत पहले की बात है, बगदाद शहर में दो दोस्त अली और मुनीब रहते थे। अली बहुत गरीब था और किसी के घर बकरियां चराकर अपना गुजारा करता था। वह स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और भला इंसान था, जबकि मुनीब अमीर था और वह स्वभाव से लालची इंसान था। बहुत व्यापार और पैसा होने के बावजूद उसको और पैसा चाहिए था। एक दिन की बात है, अली बकरियां लेकर जंगल में चराने ले गया। वहां पर वह थोड़ा आराम करने के लिए बैठ गया तो उसको नींद आ गई। जब वह उठा तो देखा एक बकरी कम है। वह बहुत घबरा गया कि अब मालिक को पता चलेगा तो वह बहुत गुस्सा होंगे। उसने सोचा पहले वह सभी बकरियों को घर छोड़कर आएगा, उसके बाद दोबारा वहां आकर उस बकरी को ढूंढेगा। उसने ऐसा ही किया, वह बाकी सभी बकरियों को छोड़कर उस बकरी को ढूंढने आ गया। वह बकरी को ढूंढते हुए आगे निकल गया। वहां पर उसको एक बूढ़ा बाबा बैठा हुआ नजर आया। अली ने बाबा से पूछा कि आपने मेरी बकरी को देखा है? बाबा ने बोला, उसको बहुत भूख लगी है, उसको कुछ खाने को दे दे, उसने दो दिन से कुछ नहीं खाया। अली के पास केवल थोड़ा ही खाना था जो उसने अपने लिए ले रखा था। यदि वह यह खाना बाबा को देता तो उसे भूखा ही रहना पड़ता, लेकिन उसने वह खाना बूढ़े बाबा को दे दिया। खाना खाकर बाबा ने कहा, तुम्हारी बकरी आगे घाटी की तरफ गई है। अली आगे घाटी की तरफ चला गया। जाते जाते रात हो गई। अली को एक गुफा नजर आई, वह उस गुफा में चला गया। उसने सोचा आज रात इसी में गुजारनी पड़ेगी। वह सोने लगा, लेकिन भूख के कारण उसको नींद भी नहीं आ रही थी। उसने बोला, काश मेरे पास खाना होता। इतना बोलते ही उसके सामने बहुत से शाही पकवान की दावत आ गई। उसे बड़ा अचरज हुआ और उसने वह खाना खा लिया। खाने के बाद जब सोने लगा तो उसको ठंड लगने लगी। उसने बोला, काश मेरे पास एक चादर होती। तभी उसके सामने चादर आ गई। अब वह समझ गया कि यह गुफा जादुई है। उसके बाद वह सो गया। सुबह उठने के बाद उसने बोला, काश मेरी बकरी मुझे मिल जाए। इतना कहते ही बाहर से बकरी उसको आती हुई दिखाई दी। वह बहुत खुश हो गया और बकरी को लेकर चला गया। जाते जाते उसने वह चादर बूढ़े बाबा को दे दी, जिसने उस घाटी का रास्ता अली को बताया था। उसने यह बात अपने दोस्त मुनीब को बताई। सारी बात जानकर उसने सोचा, अली कितना मूर्ख है जो ऐसी जादुई गुफा से केवल बकरी मांग कर आ गया। उसने उस गुफा में जाने को सोचा। उसने अली से सारा रास्ता जानकर गुफा के लिए चल पड़ा। गुफा की तरफ जाते समय उसको वही बूढ़ा बाबा नजर आया। मुनीब ने बाबा से गुफा का रास्ता पूछा। बाबा ने उससे खाने को मांगा तो मुनीब बोला, यदि खाना मैं तुमको दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? उसके पूछने पर बाबा ने मुनीब को गुफा का रास्ता बता दिया। घाटी पहुंचकर जब उसने गुफा देखी तो वह बहुत खुश हो गया। वह जल्दी से उस गुफा के अंदर चला गया और गुफा से बोला, मुझे इतना खजाना दो कि जिसे मैं जिंदगी भर भी न गिन सकूं। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद उसके सामने खजाना आने लगा और वह बहुत खुश हो गया। धीरे धीरे वह खजाना बढ़ता ही जा रहा था। मुनीब खजाने को गिनने में लग गया। वह खजाना गिनने में इतना मगन हो गया कि उसको इसका ध्यान नहीं रहा कि बढ़ते खजाने से गुफा का दरवाजा बंद हो रहा है। कुछ ही देर में गुफा का दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। उसके बाद भी खजाना बढ़ते ही जा रहा था। थोड़ी देर में मुनीब उस खजाने में दबकर मर गया।